अज्ञात युवक ने घर में घुसकर युवती पर डाला तेजाब। मुरादनगर की दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। गाजियाबाद में महिला घर में भी नहीं है सुरक्षित। गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद। पुलिस का इकबाल हुआ खत्म। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। लगता है गाजियाबाद में पुलिस का इकबाल मानो खत्म हो चुका है और अपराधी कानून को खुली चुनौती दे रहे हैं। आज गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं और शहर में अज्ञात युवक ने घर में घुसकर सोती हुई लड़की पर तेजाब डालकर निर्मम घटना को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात युवक ने घर में सोई हुई सीबा नाम की लड़की पर तेजाब डालकर मौके से फरार हो गया। लड़की की चीख पुकार सुनकर घर में सो रहे परिवार के अन्य लोग जाग गए और पीड़ित के परिजनों ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंची और पीड़ित लड़की को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया। सो रहे थे, पूरा घर सो रहा था सब। एकदम से जो पता नहीं कौन ने देखा ना, हमें पता चली वो एकदम से जो लड़की एकदम भी मेरे ऊपर कोई कुछ गिर गया। हमने सोचा ख्वाब हो गया, ख्वाब में दिख जाए ना, ख्वाब दिख है। अब हम एकदम से जो उसकी वाक वाक सब बंद हो गई, उसकी उसका देखना बिल्कुल बंद हो गया एकदम। ना हमने देखा कौन है कौन नहीं, चेहरे पे सारे मैं यहाँ तक सब जगह भैया। हालत कैसी है, गंभीर है? गंभीर इसी है उसकी। सो रही थी बच्ची, 3:30 के करीब कोई आया और उसमें पता नहीं लगा कि कैसे आया, ऊपर से या बाहर से गेट में कोई कैसे आया और तेजाब फेंक के और इन्हें अंदर लॉक कर गया। तेजाब घेरा लड़के ने, जो भी है घेर के चला गया। लौंडे ने रोल वोल मचाई। किस टाइम की घटना बताई जा रही है? 3:30 बजे की। फिलहाल पुलिस इस घटना को एक प्रेम प्रसंग की घटना मानकर चल रही है और अज्ञात आरोपी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक महिला को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जख्मी करने की सूचना प्राप्त हुई है। सभी लोग एक कमरे में सोए हुए थे तथा रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित की गई है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। पीड़िता सीबा के परिजनों के अनुसार परिवार के सभी सदस्य घर में सोए हुए थे, तभी उन्हें सीबा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वह पीड़िता के पास पहुंचे तो वह देखकर दंग रह गए कि पीड़िता तेजाब से बुरी तरह झुलस गई थी, जिसकी सूचना आनंद फानन में उन्होंने मुरादनगर पुलिस को दी है। फिलहाल पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर वो 70% झुलस गई है। डॉक्टर्स इसे काफ़ी गंभीर बता रहे हैं। लोकल वोकल के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।